नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखंड और आप देख रहे हैं ट्रेनो विला। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। लास्ट टाइम पे मैंने आपको एसईओ के बारे में बताया था, उससे पहले डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया था। अगर आपको आपने वो वीडियो नहीं देखा था तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है और साथ में वीडियो के एंड में आपको उसका एक लिंक मिल जाएगा, जिससे आप जा करके बाकी सारे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो ऑन पेज एसईओ से पहले एसईओ जानना ज़रूरी है, इसलिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं जा करके डिस्क्रिप्शन में। फिर भी मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि सपोज़ हमने एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद अब हमने लोगों को उसके बारे में जानकारी देने के लिए क्या किया कि पहले हमने सोशल मीडिया पे उसको फैला दिया, या लोगों को मैन्युअली बता दिया कि भाई ये मैंने एक वेबसाइट बनाई है, इसका ये लिंक है, वहाँ तक फॉलो करो। बट मैंने बताया था कि विदाउट एसईओ, बिना एसईओ के क्या होगा कि नॉर्मली आप 200, 300, 400 लोग आपके वेबसाइट पे आ जाएंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो एसईओ होता क्या है कि जब भी गूगल में कोई किसी कंटेंट के बारे में, सपोज़ मेरी वेबसाइट, जैसे मेरी कंपनी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग पे काम करती है, मैं आपको लिंक में दिखा देता हूँ। सपोज़ ये मेरी वेबसाइट है जो कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग पे बेस्ड है पूरी। ठीक है, तो अब मैंने ये वेबसाइट बना ली, सपोज़ सब कुछ तैयार कर लिया, तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ तक लोग जो है आएंगे कैसे, ट्रैफिक कैसे आएगा इस पे पोटेंशियल लोग कैसे आएंगे, कस्टमर्स कैसे आएंगे। ठीक है, तो भाई इस वेबसाइट पे, इस पर्टिकुलर यूआरएल पे ट्रैफिक लाने के लिए जो सर्च रिजल्ट्स में इस, भाई हमारे यहाँ एक टारगेटेड ऑडियंस आया है, उसके लिए ज़रूरी क्या है कि लोग हमारी वेबसाइट को या कंटेंट को जब सर्च करें तो हमारी वेबसाइट शो होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा वेबसाइट सर्च रिजल्ट में आना चाहिए। इसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि हम सर्च में जो भी यूज़र कोई चीज़ सर्च कर रहा है, तो हम सपोज़ किसी ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च किया, तो ये जो लिंक्स आ रहे हैं ये क्या है, बेसिकली एसईओ की हेल्प से हो रहा है। एसईओ का मतलब ये होता है कि आप ऐसा क्या करने वाले हैं अपने वेबसाइट में जिससे गूगल को या किसी भी सर्च इंजन को, याहू को, बिंग को हेल्प मिल सके आपके पर्टिकुलर वेबसाइट को या आपके कंटेंट को या आपके एप्लीकेशन को रैंक करने में। मतलब कि वो उससे रिलेवेंट कंटेंट आपकी वेबसाइट में अगर होगा और वो प्रॉपर है, मतलब उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे, तो वो आपका सर्च रिजल्ट में ऑब्वियसली शो होगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एसईओ के बारे में। तो एसईओ मैंने बता दिया आपको कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। बेसिकली हमें अपने कंटेंट को या अपनी वेबसाइट को इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लेआउट करना है ताकि सर्च में, गूगल या किसी भी सर्च इंजन के सर्च में हमारी वेबसाइट ईजिली शो हो सके और उसको हम और बेटर बनाते चले जाएंगे ताकि वो धीरे धीरे करते हुए रैंक में ऊपर आते चले जाए। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे, रैंक में ऊपर लाएंगे कैसे, या गूगल के सर्च में आएगा कैसे, सबसे पहले उसके लिए हमें करना पड़ता है एसईओ। एसईओ बेसिकली दो तरीके का होता है, ऑन पेज और ऑफ पेज। अभी हम ऑन पेज एसईओ के बारे में बात करने वाले हैं और इन टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे, मतलब इसके डेफिनेशन को देखेंगे, एसईओ के क्या क्या फैक्टर्स हैं, और एंड में हम लोग एक चेकलिस्ट है जिसमें हम, ये मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, ऑन पेज एसईओ करने के लिए। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं ऑन पेज एसईओ से। ऑन पेज एसईओ का बेसिक मीनिंग क्या है कि ऑन पेज एसईओ का मतलब ये है कि हम अपने वेबसाइट पे सपोज़ मैं वेबसाइट को एक एज ए एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, अगर मुझे इस वेबसाइट को सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज़ करना है, सर्च इंजन ताकि कि जो भी चीज़ें मैं इस पे डाल रहा हूँ वो गूगल के सर्च में आए, उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। ऑन पेज का मतलब कि मैं पर्टिकुलरली अपने पेज पे, ठीक है, ऑन पर्टिकुलर पेज या ऑन पर्टिकुलर वेबसाइट जा करके मैं क्या ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ, इसको कहते हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में कई सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं ऑन पेज एसईओ। तो आइए हम बात करते हैं, जैसा कि इसमें दिया हुआ, ऑन पेज एसईओ इज़ वेरी सिंपल एंड कैन बी डन विदाउट मच एफर्ट, बट इफ डन करेक्टली कैन बी वेरी इफेक्टिव इन सिक्योरिंग ए गुड पोजीशन फॉर आवर वेबसाइट इन द सर्च इंजन रिजल्ट्स। ओके, तो ऑन पेज एसईओ इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑन पेज एसईओ ही वो एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप एक जेन्युइन, या आप कह सकते हो कि पोटेंशियल कस्टमर्स, या आप टारगेटेड ऑडियंस को ला सकते हो। ठीक है, ये एक जेन्युइन वे में लेकर के आते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको गवर्न करेगा। ठीक है, तो अब आते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। तो
तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. द वेबसाइट हेल्प्स आवर सर्च इंजन रैंकिंग थ्रू आवर कीवर्ड्स नीड्स. ठीक है, तो जब भी हम गूगल में सर्च करते हैं तो आपने हमेशा देखा होगा कि किसी कीवर्ड के बेस पर मैंने सर्च किया. मैंने क्या सर्च किया? डिजिटल मार्केटिंग. तो देखिए, जो भी लिंक्स आ रहे हैं उसमें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं. देखिए, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, हर लिंक पे आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वर्ड जरूर मिल जाएगा. इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कीवर्ड कहते हैं. ठीक है, तो गूगल क्या करता है, कीवर्ड के बेस पे चीज़ों को सर्च करके और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स लेकर के आता है. तो इसके लिए करना क्या होगा, अभी हम देखते हैं कि सपोज हमें मुझे ऑप्टिमाइज करना है किसी चीज़ को तो क्या करना होगा. ठीक है, तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट करता है. ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? ऑन पेज एसईओ का मतलब ये हो गया कि बेसिकली हम अगर सपोज एक वेबसाइट में एक पेज बना रहे हैं तो उस पेज में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब हमारा कंटेंट जो उस पर लिखा हुआ है वो कैसे लेआउट होना चाहिए. एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि एसईओ का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है कंटेंट. कंटेंट इज किंग. इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, कंटेंट किंग होता है. जब भी किसी चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो तो उसके बारे में आप कितना अच्छा कंटेंट लिख रहे हो ये सबसे बड़ा फैक्टर है यूज़र को वापस लाने के लिए या बाउंस रेट को कम करने के लिए. बाउंस रेट वगैरह क्या है ये हम आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं. सबसे पहला कि टाइटल. आप सपोज जैसे एक टॉपिक को आपने पकड़ा डिजिटल मार्केटिंग, तो सबसे पहले उसको लेआउट जो है प्रॉपर होना चाहिए. सपोज़ मैं अगर मैं चलता हूँ अपने एक ब्लॉग में, किसी ब्लॉग में लेके चलता हूँ, मैं आपको उसका लेआउट दिखाता हूँ कि किस तरीके से लेआउट होना चाहिए आपका. तो सपोज़ मैंने ये ले रखा है, एक टॉपिक है 5 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स टू वॉच इन 2019. ठीक है, तो मेरा जो इसमें कीवर्ड है वो डिजिटल मार्केटिंग मैंने रख रखा है. तो आप ये देखिए, हर जगह पर डिजिटल मार्केटिंग, ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी. ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हेडिंग. जो आप हेडिंग डाल रहे हो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए. ठीक है, दूसरा है डोमेन एंड यूआरएल. ठीक है, दूसरा है डोमेन एंड यूआरएल. डोमेन एंड यूआरएल में आता है डोमेन, जैसे कि .com ले रखा है हमने, और यूआरएल. यूआरएल बेसिकली अगर आप कोशिश ये करिए कि हमेशा कैची हो, मतलब नाम बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा हो. जितना ज़्यादा छोटा वर्ड का आप जो भी डोमेन नेम लोगे ना, उससे बेटर ये होता है कि वो ईजिली टू रिमेंबर होता है. जैसे मेरी वेबसाइट का नाम ट्रैनोविला है. ठीक है, तो ट्रैनोविला जो है बेसिकली वो कैची नेम है. दो या तीन बार, चार बार नाम जाने के बाद यूज़र को नाम ईजिली याद हो जाता है. ठीक है, तो हमेशा कोशिश करिए कि कैची नेम हो. ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल छोटा ही हो, बट एटलीस्ट मतलब ऐसा हो कि यूज़र उसको ईजिली याद रख सके. ठीक है, एंड .com बेसिकली मैंने जो लिया था उसका रीज़न ये था कि .com मीन्स कॉमर्शियल. ओके, तो कॉम जो डोमेन है वो बहुत कॉमन है. ठीक है, और हमेशा डोमेन भी बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी रैंकिंग को हिट कराने में. तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. देन आता है अगला फैक्टर है, दैट इज़ मेटा मेटा कीवर्ड. ठीक है, तो मेटा कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो कीवर्ड जब भी आप सर्च करते हो गूगल के सर्च रिजल्ट पे, एक बार और चलते हैं. जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया था, तो डिजिटल मार्केटिंग जो लिख करके आता है, ये देखिए, ये जो है ये आपका टाइटल हो गया. ठीक है ना, बेसिकली ये टाइटल है, ये वेबसाइट का लिंक है. ठीक है, अब देखिए ये मेटा डिस्क्रिप्शन कहलाता है. ये जो तीन चार लाइनें आ रही हैं ना, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है. मेटा डिस्क्रिप्शन हेल्प क्या करता है? सपोज मैंने ही डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैंने सर्च किया, मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, तो बेसिकली मैं किसी भी लिंक को कब क्लिक करूँगा? जब मैं बेसिकली उसके इस कंटेंट को पढ़ रहा होऊंगा. ठीक है, जब मैं इस कंटेंट को पढ़ूंगा, सपोज यहाँ लिखा हुआ डिजिटल मार्केटिंग इनकम्पसेस ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स दैट यूज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ओके, तो मुझे ये थोड़ा सा रिलेवेंट लग रहा है कि ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ है. तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करके या उस पर क्लिक करके उसको ओपन करूँगा, देन मैं आगे जाके पढ़ूँगा. तो मैं ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि सबसे पहले मुझे हेडिंग मिली, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग. करेक्ट है, बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं जानना चाहता था. सेकंड, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, जो थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन दिखता है ना गूगल या किसी भी सर्च इंजन में के सर्च रिजल्ट में, ये मेटा टैग कहलाता है. ठीक है, क्लियर हो गया. थर्ड इज, देन आता है मेटा डिस्क्रिप्शन. ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेटा कीवर्ड्स में तो ये आ गया आपका,
मेटा कीवर्ड्स ये आ जाएगा जो कि ये वेबसाइट है यहाँ तक, और उसके बाद मार्केटिंग, देन आ गया व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज़ अ मेटा कीवर्ड, और ये मेटा कीवर्ड का ये डिस्क्रिप्शन है जो हम अभी हम लोग देख रहे थे, ये जो पूरा मैंने सेलेक्ट कर रखा है 3-9, ये मेटा कीवर्ड का डिस्क्रिप्शन है, ये मेटा कीवर्ड है, ठीक है ना। तो जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो गूगल के बॉट्स, मतलब जो गूगल ने एल्गोरिथम्स लिख रखी हैं, वो जा कर के सर्च करते हैं ऑल ओवर द इंटरनेट उससे रिलेटेड कंटेंट। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कोई चीज़ कंटेंट लिख रहे हो ना, तो उसको एक इंडेक्स बाय इंडेक्स फॉर्मेट में लिखो, ठीक है ना, ताकि वो ईजी हो सर्च होने में। देन आता है यूनिक कंटेंट, नेक्स्ट फैक्टर इज़ यूनिक कंटेंट। आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है ना। यूनिक मतलब कि आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कंटेंट थोड़ा सा यूनिकनेस का मतलब ये हो गया कि आप सपोज़ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखना चाहते हो, जैसे मैंने लिख रखा है, मैंने आपको दिखाया कि मैंने क्या लिख रखा था, मैंने इसको स्टार्ट किया था, ये देखिए 16 जनवरी 2019 को इस आर्टिकल को लिखा था मैंने। तो बेसिकली मैंने क्या किया था, मैंने जैसे ही 2019 स्टार्ट हो रहा था, तो ये एक नया टॉपिक है जो कि उस समय सर्च रिजल्ट्स में ज़्यादा आता है। अब एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि आप ये कहोगे कि ये बताइए कि मुझे कैसे पता चलेगा भाई कि सर्च में या इस समय क्या चल रहा है। तो हमेशा कोशिश करिए कि थोड़ा सा ट्रेंड्स के साथ रहिए, मतलब कि लोग इस समय क्या सर्च कर रहे हैं उसको देखने का तरीका है। यहाँ पर एक गूगल का प्लेटफॉर्म है, गूगल ट्रेंड्स, उस पर क्लिक करोगे तो आप ट्रेंडिंग चीज़ें देख सकते हो कि क्या चल रहा है। ओके, एक ये भी है, एक यहाँ से भी लिंक है, कोई ओपन कर लो, तो आप ये जाकर देख सकते हो कि ट्रेंड्स में ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, ठीक है। आप पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड देख सकते हो, यहाँ सर्च रिजल्ट में सपोज आपने कोई टॉपिक डाल दिया, सपोज मैंने डाल दिया डिजिटल मार ट्रेंडिंग सर्च का ऑप्शन होता है साइड बार में, आप जाएंगे तो ट्रेंडिंग सर्च पे चले जाइए, अब यहाँ पर आप लिख दो डिजिटल, ये तो सारे टॉपिक्स दिखा रहा है जो वर्ल्ड, मतलब यूएनटी है पर्टिकुलरली, देखिए अभी यूनाइटेड स्टेट्स में ये दिखा रहा है। आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये देखिए क्या क्या टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहा है कि किन 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 टॉपिक्स पे है क्या चीज़ें, और आप अपने पर्टिकुलर कीवर्ड पे, जैसे मैं कर रहा था स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, डिजिटल मार्केटिंग, तो आप ये भी देख सकते हो कि डेमोग्राफिकली कितना सर्च हो रहा है, लोग हैं या क्या हैं, क्या सर्च का रेशियो है। देखिए अभी देखिए क्या पॉपुलैरिटी है इसकी, किसी कहीं का भी आप आपको उसको देख सकते हो, आपको दिख रहा है कि अभी इसमें पॉपुलैरिटी बढ़ी हुई है। और देखिए रीजन वाइज आपको यहाँ पर आप देख सकते हो सर्च को कि किस रीजन में इसके बारे में सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप सर्च कर सकते हो, या उसके अकॉर्डिंगली अपना आप आर्टिकल लिख सकते हो या कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए रिलेटेड टॉपिक्स भी दिखा रहा है कि इसके अलावा क्या क्या लोग उससे रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, ये देखिए, और क्या क्वेरीज ज़्यादातर की जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना टॉपिक चूज़ कर सकते हो, जैसे कि अब आप देखिए मैंने लिखा था डिजिटल मार्केटिंग 2019, ठीक है, इसी तरीके से आप भी देख सकते हो किन किन टॉपिक्स पे किस तरह का रिजल्ट है, इसमें और भी आप आगे जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप तरीका है, ये तो US का दिखा रहा था, आप कंट्री वाइज रीजन वाइज सेलेक्ट कर सकते हो, कैटेगरी वाइज सेलेक्ट कर सकते हो, सर्च वाइज सेलेक्ट कर सकते हो। ये पास्ट 12 मंथ्स का दिखा रहा है, आप पास्ट आर का देख सकते हो, पास्ट डे का देख सकते हो सर्च रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि गूगल के थ्रू लोग क्या सर्च कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो जो ज़्यादा सर्च हो रहा है उसके बारे में अगर आप लिखोगे तो चांसेस क्या हैं कि आपका जो पेज पे जो कंटेंट लिखा हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा गूगल के सर्च में आएगा। हो सकता हो पहली बार वो
सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज पे आया, बट धीरे 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 उसकी रैंकिंग बेटर होती चली। तो ये की फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि ऑन पेज एसईओ कैसे करना चाहिए, ठीक है। देन एक और भी फैक्टर है कि इमेजेस, हमेशा जब भी आप कंटेंट लिखिए, एक अच्छा कंटेंट लिखने का तरीका क्या है, जैसे देखिए मैंने लिख रखा है मैंने क्या किया, टॉपिक लिखा, उसके बाद फ्यू लाइंस, कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, लाइंस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए थोड़े स्पेसिंग दीजिए, प्रॉपर स्पेसिंग दीजिए कंटेंट में। देन हमेशा अपने कंटेंट को सपोर्ट करिए विद द हेल्प ऑफ इमेजेस। देखिए मैंने क्लियर सा इमेज दे रखा है, उससे पहले दो तीन लाइनों में मैंने बता रखा है कि बेसिकली ऑडियंस जो है वो बॉम्बार्ड करती है मार्केटिंग के बारे में, और वो किस तरीके से क्या सर्च करती है। फिर मैंने आपको बता रखा है इंटरनेट यूजेज के बारे में, फिर मैंने उस पर्टिकुलर एरिया को देखिए हाईलाइट कर रखा है इमेज में कि भाई क्या होने वाला। तो ये सब क्या है, जब इमेजेस से आप करते हो तो नॉर्मली यूज़र का इंटरेस्ट बना रहता है, ठीक। जब यूज़र का इंटरेस्ट बना रहेगा और वो ज़्यादा देर तक आपके वेबसाइट या एप्लीकेशन पे रुकेगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपका बाउंस रेट कम हो जाएगा। बाउंस रेट का मतलब क्या होता है कि यूज़र आपके वेबसाइट पे आया और वो रुक रहा है कि नहीं। वो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको ब्लैक हैट एसईओ करके, ब्लैक हैट एसईओ को मतलब ये हो गया कि आप गलत तरीके से उसे तो नहीं आ रहे हो कि अपने यूआरएल पे किसी तरीके से रीडायरेक्ट करा रहे हो, कहीं पे लिंक की स्पैमिंग कर करके बार बार यूज़र को ला रहे हो कि अरे ये ऑफ़र है वो ऑफ़र है, और आपने लिंक में अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया, यूज़र उस पर क्लिक करके आ रहा है, और फिर वो क्या हो रहा है, वो एक नाराज़ होकर के आपसे चला भी जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको आपने कुछ और बताया और यहाँ पर कुछ और, ये कभी मत करिए, ठीक है। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि एसईओ होने में समय लगेगा, अगर आप गारंटीड रिजल्ट चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अपने कंटेंट को जेन्युइन रखिए। मेरी इस बात को, पॉइंट को नोट कर लीजिए, कंटेंट को जेन्युइन रखिए। यूज़र आज की डेट पे ओरिजिनल चीज़ चाहता है, ठीक है, ओरिजिनल चीज़ चाहता है। जैसे मैंने यहाँ पर जो टॉपिक लिख रखा है, डिजिटल 5 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स टू वॉच इन 2019, आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है सब कुछ सर्च करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत कुछ सर्च रिजल्ट्स में करके एक जेन्युइन चीज़ लिख रखी है यार कि भाई क्या क्या चीज़ों की क्या क्या चीज़ें हैं जो टॉप में रहने वाली हैं, ठीक है। तो जैसा टॉपिक बता रहा है कि 2019 में डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो मेरा हेडिंग था, जो मेरा टॉपिक था, उसके अकॉर्डिंग जो मेरा कंटेंट है वो रिलेवेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरा कहने का मतलब ये है कि हमेशा जो आप हेडिंग लिख रहे हो उससे रिलेटेड ही कंटेंट लिखो, ठीक है, और कोशिश करो कि उसका लेआउट बेटर, ठीक है। इसके अलावा एक फैक्टर और है, साइट मैप, जिसके बारे में हम थोड़ा आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। साइट मैप का मैं एक ओवरव्यू मतलब आपको बता देता हूँ। साइट मैप का मतलब ये होता है बेसिकली कि आप जब भी अपनी वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन लाइव करते हो तो उसका यूआरएल आपको गूगल को ये बताना पड़ता है कि भैया हमने एक वेबसाइट बना दी है, ठीक है, और अब आप इसको मेरे अपने सर्च रिजल्ट में इसको इंक्लूड कर लो। तो गूगल कैसे करेगा भाई, हर दिन लाखों के तादाद में जो है वेबसाइट एप्लीकेशंस बन रही हैं, गूगल को कैसे पता चलेगा? या तो आप इतने ज़्यादा पॉपुलर हो जाओ, इतना ज़्यादा पॉपुलर का मतलब क्या हो गया कि भाई लाखों के टर्म में लोग आपको सर्च करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। दूसरा तरीका उससे बेटर क्या है कि आप अपनी साइट को खुद ही गूगल में जाके लिस्ट कर दो। गूगल वेबमास्टर एक टूल है जिसके थ्रू हम अपने साइट का साइट मैप निकालते हैं, ठीक है। साइट मैप बेसिकली XML फाइल होती है आपकी साइट की, जिसको हमको गूगल में जाके लिस्ट करना होता है ताकि आपकी साइट जो है गूगल की के लिस्ट में आ जाए। गूगल को ये पता चल जाए कि भैया हाँ, इस नाम की भी एक वेबसाइट है जहाँ पे इस तरह का कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, और मुझे अब क्या करना है, आगे इसको भी अपने लिस्ट में शामिल करना है, और कोई अगर इससे रिलेटेड कंटेंट सर्च करता है और आपकी वेबसाइट पे उससे रिलेटेड कंटेंट मिलता है तो उसको आपके सर्च रिजल्ट में लेकर के आएगा। डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना। गूगल के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे वो डिसाइड करता है कि आपकी वेबसाइट को किस नंबर पर लेकर के आना, ठीक। सबसे उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जो मैंने बताया, कंटेंट इज किंग, हमेशा याद रखिएगा, कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। कंटेंट ज़्यादा हो चलेगा, कंटेंट में भी एक चीज़ याद रखिए, मिनिमम 500 वर्ड्स का कंटेंट लिखिए, ठीक है। मिनिमम 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखिए, कहने का मतलब जैसे मेरा यही कंटेंट आप अगर आप देखोगे तो अराउंड ये 700 और समथिंग वर्ड्स का है, ठीक है। और कोशिश करिए कि पॉइंट्स के फॉर्म में लिखिए, ठीक है। जैसे मैंने 1 2 3 4 इस तरह से पॉइंट्स बना रखे हैं,
हेडिंग फिर पॉइंट्स, हेडिंग फिर पॉइंट्स। उससे बेटर क्या होता है कि जो सामने वाला यूज़र है जब वो पढ़ता है आपका आर्टिकल तो उसको एक इंटरेस्ट आता है, ठीक। देन आ गया H1 H2 हेडिंग टैग्स, ये मैंने अभी आपको दिखाया भी है वेबसाइट में। जैसे जो सबसे पहला मेन हेडिंग होगी वो हमेशा H1 के फॉर्म में है, H1 हेडिंग सबसे बड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद जो इसके सब हेडिंग्स होंगी, जैसे कि ये जो सब हेडिंग है इसको आप उससे छोटा रखो, मतलब H2 के फॉर्म में रखो, मतलब कि आपका लेआउट बेटर होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और भी है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, लिंक्स की बात होती है, ठीक है। लिंकिंग, दो तरीके की लिंकिंग होती है वेबसाइट में, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। इंटरनल का मतलब क्या होता है कि मैंने ये सपोज एक लिंक है, इस पर क्लिक किया तो आपकी वेबसाइट में ही कोई और पेज है उससे कनेक्टेड है, हमने क्लिक किया और वो यहाँ से वहाँ पहुँच गया, ठीक। दूसरा होता है एक्सटर्नल लिंक, जैसे कि ये वाला जो लिंक है वो एक्सटर्नल है, मैंने क्या किया गूगल का एक लिंक दे लिया, दे रखा है मैंने, ये इमेज जो है गूगल से उठाई है और मैंने यहाँ सोर्स पे लिख रखा है, देखिए कि सोर्स क्या है इस इमेज का, ठीक है, किस डेट को मैंने उठाया था और इसका सोर्स क्या है, गूगल है। अगर मैं इस पर क्लिक करेगा कोई तो होगा क्या, हम गूगल पे पहुंच जाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है। ऑल्दो ये टॉपिक जो है प्रॉपरली सर्च, ठीक है, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि ये टॉपिक जो भी आप सर्च में रिजल्ट मिला रहे हो वो प्रॉपरली सर्च होना चाहिए, वो आना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा इस लिंक। तो ये एक्सटर्नल लिंक वो होते हैं जो आपके वेबसाइट पे जब भी आदमी यूज़र क्लिक करे वो उसको बाहर ले जाए, और इंटरनल लिंक वो होते हैं जो इंटरनली जुड़े होते हैं, मतलब अगर मैं किसी लिंक पे क्लिक करूं और वो वापस आपकी वेबसाइट से ही कनेक्ट कर दे, ठीक है, तो वो इंटरनल लिंक कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे ये है टॉपिक, ये एक इंटरनल लिंक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरी ही वेबसाइट पर रखेगा मुझे, ठीक है, समझ में। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, और भी फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये प्राइमली इम्पॉर्टेंट और सबसे प्राइमरी फैक्टर्स हैं ऑन पेज एसईओ के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इन सारे फैक्टर्स को अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है, मैं जल्दी ही अपनी वेबसाइट पे इसको पीडीएफ के फॉर्म में फ्री में डाउनलोड करने के लिए आपको एक लिंक दे दूंगा। पिछला भी जो मैंने पीपीटी और चीज़ें दे रखी हैं, दिखा रखी हैं आपको, उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इससे पहले वाला एसईओ वाला नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, उसके बाद इस पर मूव करिएगा, क्योंकि अगला जो टॉपिक मेरा आने वाला है ये तो ऑन पेज एसईओ था, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं ऑफ पेज एसईओ के बारे में। एंड दोस्तों बने रहिए इसी के साथ, अगर आपको ये कंटेंट रिलेवेंट लगा और आगे आप जुड़े रहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं नए नए वीडियोज़ और नई नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जहाँ भी हैं, टेक केयर।